हेलो फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी इंग्लिश और ईवीएस की क्लास थर्ड के लिए लिखी हुई टीचर्स डायरी है। यहाँ पर सबसे पहले टर्म वन का टाइम टेबल लिखा गया है बर्ड पिक्चर शो करके, और यहाँ इंग्लिश का है ये लेसन द बलून मैन, इसके बारे में लिखा गया है। बलून्स की पिक्चर बना दी गई हैं, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। डायरी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है इससे। टीचिंग एक्टिविटी क्या होगी इसमें बलून्स मैन में, अब ये ईवीएस का लेसन 11 है फ्रॉम हियर टू देयर, इसके बारे में लिखा गया है डायरी में। ये इंग्लिश का है लेसन द येलो बटरफ्लाई, इसके बारे में लिखा गया है। टीचिंग ऑब्जेक्ट रिसोर्स आउटकम क्या होगा, ग्रामर क्या होगी इसमें, वो सब यहाँ पर बताया गया। बटरफ्लाई बना करके इसके अंदर लिखा गया है। ईवीएस का है ये पोस्ट बॉक्स, वर्क वी डू एंड शेयरिंग, लेसन 12 और 13 यहाँ पर बताए गए हैं। ये देखिए इस तरह से डायरी को लिख सकते हैं। अब ये इंग्लिश का है पोएम ट्रेन, इसके बारे में लिखा गया है। अलग अलग पर्टिकुलर इस तरह से बताया गया है ना, टीचिंग ऑब्जेक्ट, टीचिंग आउटकम, टीचिंग मेथड क्या रहेगी, ये सब इसमें अलग अलग इसको लिखा गया है। एक्टिविटी क्या होगी इसमें, अब ये ईवीएस का लेसन 50 है द स्टोरी ऑफ द फूड, इसके बारे में लिखा गया है। एक्टिविटी क्या होगी इसमें, ये ईवीएस का लेसन 15 है मेकिंग पॉट्स, इसके बारे में लिखा गया है। ओके, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं डायरी को। ओके, आगे के चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू।